गोपाल की हूँ, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप लोग क्यों? राजगुरु ने हमें आपको पकड़ने के लिए भेजा है। चलो हमारे साथ। ये लोग यहीं पर थे, अचानक गायब कहाँ हो गए? कहीं दी और लोग? आर्ची, इतनी देर रात को क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? यार यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ पर पता नहीं अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं। वीर घर छोड़कर चला गया है, गांव वालों को लगता है कि भगवान का प्रकोप है और लोग दिए बन रहे हैं। लोग दिए बन रहे हैं मतलब? लोग गायब हो जाते हैं और उनकी जगह दिए दिए आ जाते हैं। मुझे बता, तूने गाँव में किसी बाबा की बूटी वूटी खा ली थी क्या? तू कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है आर्ची? अच्छा अब समझी, तू मुझे बकरा बनाना चाहती है ना, इसलिए इतनी देर रात को कॉल करके डरा रही है। तू पागल है क्या? मेरे पास यही काम है क्या? यहाँ पर मैं डरी हुई हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। गांव वाले पता नहीं मुझे ढूंढ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वीर वापस आ जाएगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और वीर का फोन भी नहीं लग रहा, उसका फोन बंद है। देख आर्ची, तू डर मत, मैंने पहले ही कहा था तुझे, तू वहां मत जा। जब वीर के भाई की उस श्राप की वजह से मौत हुई थी तब भी मैंने कहा था कि वापस आ जा, बट तू मेरी कोई बात नहीं सुनती। कह रही थी कि वीर को लिए बिना वापस नहीं आऊंगी। अब बोल कहां है वीर? चला गया ना तुझे छोड़ के? यार ऐसा नहीं है ना, वीर ने कहा था कि हम दोनों साथ में नहीं निकल सकते, इसलिए वो अलग निकला है और वो उसने कहा कि वो दो दिन में भोपाल पहुंच जाएगा। और मैं भी यहाँ से गांव से बाहर निकल गई थी, फिर पता नहीं अचानक से मुझे लाली दिखी और लाली के साथ वो कुत्ता। मेरे तो सुन के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। देख देख तू डर मत, वीर वहाँ नहीं है तो क्या हुआ? केदार हमारा दोस्त, वो तो वहाँ है ना। तू केदार को कॉल कर और बस तू किसी तरह उससे मदद मांग के वहां से निकल जा। हाँ मैं ना केदार को फोन करती हूँ। और सुन सुन, अगर वीर भोपाल पहुंचे ना तो उसे वहां से जाने मत देना, क्योंकि अगर वो यहाँ वापस आ गया ना तो यहाँ पर भगवान के नाम पे पता नहीं उसके साथ क्या होगा। सब गांव वाले उसे ढूंढ रहे हैं, राजमहल वाले सब ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज उसे वहां से जाने मत देना। और मैं पहुंच रही हूँ वहां पर, ठीक है? आपने मुझे वापस बुलाने के लिए तो फोन नहीं किया ना राजमाता, हमेशा की तरह इस पर भी मेरा साथ दीजिए ना। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उस राजमहल से हमेशा के लिए दूर जाना है। इतने साल हमने आपकी बात मानी है ना, आपका ये नंबर इतने दिनों तक हमने किसी को नहीं दिया, हमने भी कभी आपको फोन करके परेशान नहीं किया, बस हमेशा ये ही चाहा कि आप इस महल इस माहौल से दूर रहें, जिंदगी जिए, जहां भी रहे बस खुश रहे। तो फिर आज क्या बदल गया? अब यशवर्धन नहीं रहे वीर,
इस परिवार के युवराज अब आप हैं। आपको बड़े युवराज का पद संभालना है। आप इस तरह सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते, वरना इस परिवार, इस रियासत को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, जो हम कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता मैं। अगर मुझे श्राप का दंड मिलना ही होगा ना, तो कनकगढ़ क्या, दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाएगा। अगर उस राजमहल में रोज बैठकर मैं दंड का इंतजार नहीं कर सकता। जरूरी नहीं होता वीर, तो हम आपको कभी कुछ ना कहते। बताइए, हमने आज तक आपको कुछ कहा नहीं ना? पर बेटा, सब कुछ बदल गया है। आपको यश की जगह लेनी है, अपने लिए ना सही, अपनी दोस्त अर्चना के लिए आ जाइए, वो यही है। कम से कम आप तो झूठ मत कहिए। मैंने अभी पता किया है, मेरे जाने के बाद अर्चना भी वहां से चली गई है। उसके बहाने आप मुझे वहां बुलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं फोन काट रहा हूं, इसके बाद दोबारा मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा राजमाता। वीर, वीर, बेटा मेरी बात तो सुनो। वीर, वो तो ठीक है, पर आप हैं कहाँ अर्चना जी? यार पहले तो तूने मुझे अर्चना जी बोलना बंद कर, ठीक है? तू वीर के लिए जो भी होगा, लेकिन मेरे लिए तो दोस्त है, और दोस्त के नाते तुझे मेरी मदद करनी होगी। यार यहाँ पर गांव वाले ना मुझे मुझे टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। प्लीज मेरी हेल्प कर यार। वो तो मैं संभाल लूंगा, पर आप ये बताइए पहले कि आप हैं कहाँ पर। यार मैं ऐसे कैसे बताऊँ कि मैं कहाँ। मैं तुझे लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तू बस उसको फॉलो करके आ जा। मैं आता हूँ, पर आप वहां से कहीं जाइएगा मत। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पर तू जल्दी आ प्लीज। तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें पता नहीं अगर तुम नहीं आते ना तो मेरा बीपी ना 200 से ऊपर जाने वाला था। यार गांव वाले मेरे पीछे ही पड़ के मुझे जाने नहीं दे रहे। प्लीज यहाँ से जल्दी से चलो, यहाँ से निकालो मुझे, हमें चलना होगा। चलो चलो ना, तुम देख क्या रहे हो, चलो। यार अगर हम यहाँ से नहीं निकले ना तो वीर को यहाँ आना पड़ेगा, फिर वो फंस जाएगा ना। तुम चलो ना।